नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसी में। और आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन ख़त्म कर दिया था चैप्टर, तो अब चलते हैं सीरीज की तरफ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सीरीज में सबसे पहले हम चलते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में। एक होते हैं अल्फ़ाबेटिक, एक होता है नंबर के ऊपर, और एक अल्फ़ाबेट प्लस नंबर। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में। पहले अल्फ़ा के लेंगे, अल्फ़ाबेटिक के लेंगे, फिर लेंगे नंबर वाले, और फिर लेंगे दोनों वाले। साथ लेके चलेंगे तीनों क्वेश्चनों को दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। सीरीज तीन पार्टों में डिवाइड है अपना। फर्स्ट होता है अल्फाबेटिकली लेटर, जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, उनके ऊपर होता है। फर्स्ट टाइप ही होता है इसमें। सेकंड टाइप होता है नंबर, ठीक है दोस्तों, नंबर्स। और थर्ड होता है अल्फाबेटिकली लेटर प्लस नंबर। ये तीन चीज़ हम सीरीज में पढ़ेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे, एक एक बारीकी से चलेंगे। पहले चलते हैं अल्फाबेटिक लेटर में। अल्फाबेटिक लेटर आपको याद हो कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, हमारी फर्स्ट वीडियो में था। तो दोस्तों सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेड ए वी सी आर ई एन जी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बताना है दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों अल्फाबेटिक नंबर आपको याद होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जेड कितने पे आता है दोस्तों, 26 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। वी कितने पे आता है, 22 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे। और जी कितने पे आता है, 7 पे। ऐसे सोल्व करने हैं, पहले इनकी नंबरिंग देखनी पड़ती है अल्फ़ाबेट में। तो सीरीज क्या चल रही है, 26, 22, 18, 14। माइनस फोर हो रहा है। तो माइनस फोर इसमें करेंगे, 14 माइनस फोर 10। 10 पे क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जे, ठीक है, जे निकल के आया। फिर नेक्स्ट देखो, 1, 3, 5, 7 प्लस टू, 7 and 2, 9। 9 पे क्या आता है, आई, जे आई हमारा आंसर। फर्स्ट में जा रहा है माइनस फोर, ठीक है दोस्तों। सेकंड में जा रहा है प्लस टू। ये ऐसे चलती है सीरीज अल्फाबेटिक लेटर में। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, सी डी ई आई जे के एन ओ पी, और नेक्स्ट हमें बताना क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। सेम अल्फ़ाबेट नंबर याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे। सी की नंबरिंग करें, 3, डी 4, ई 5, आई 9, जे 10, के 11, एन 14, ओ 15, ये 16। तो दोस्तों 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16 साथ लेके चल रहे हैं। एक एक बढ़ रहा है बस सब में, बट गैप देखो, ई के बाद इन्होंने कितना गैप लिया है, प्लस 4 किया है, ठीक है दोस्तों। 5 और 4, 9 होता है। फिर यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 11 प्लस 3 कितना होता है, 14, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 प्लस किया, तो अब आगे क्या सीरीज बनेगी, हम इसमें 2 प्लस कर देंगे। किस में करेंगे, 16 में। यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 18 पे क्या आता है हमारा, आर। आर के बाद क्या आता है, वो आप चलती चली जाएगी, जैसे 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16 तो 18, 19, 20, ये हमारा आंसर, आर एस टी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फ़ाबेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। दो क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बी आई ओ फिल इन द ब्लैंक्स एक्स ए, और आपके ऑप्शन है वी पी टी आर।
मैं 4-5 क्वेश्चन साथ लेके चलता हूँ, लिख लेता हूँ, आसानी होगी, बार बार में नहीं नोट करना पड़ेगा। फोर्थ, फ्रिकट्टा सबका सॉल्यूशन साथ मिलके करेंगे दोस्तों। बी ई फिलिंदा ब्लैंक्स, क्या जेड ऑप्शन है आपके, जे आई के सी, ठीक है। एक और फिफ्थ, डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। इसके ऑप्शन नहीं है, ये हमें निकालना है। चलो पहले ये करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, बी आई ओ लिंदा ब्लैक्स एक्स ए, और ये हमारे ऑप्शन है। बी की नंबरिंग करेंगे हम 2, आई की 9, ओ की 15, ठीक है दोस्तों। एक्स आता 24 पर, ए आता 1 पे। तो बताना क्या हमने कि फिलिंदा ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों कोई सीरीज बन रही है, 2 + 7 = 9, 9 + 6 = 15, और यहाँ पर क्या प्लस किया गया है, 3, ठीक है दोस्तों। +3 + 6 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 बन गई सीरीज दोस्तों। +7 किया हमने, 9 आया, फिर +6 किया, 15 आया, फिर आगे क्या प्लस करेंगे, 5 7 6 5, सीरीज चल रही है दोस्तों। सीरीज जो चलेगी वही चलानी है हमें, कुछ अलग से अपना लॉजिक नहीं लगाना है। 7 6 5, तो 15 + 5 कितना हो गया, 20, 20 पे क्या आता है, टी, हमारा टी इज़ द राइट आंसर। अब आगे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए चेक कर लीजिए, 20 + यहाँ पे 5 क्या था, तो +4 करेंगे, 20 + 4 = 24 पे आता है एक्स, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये हमने चेक भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी 2 E5 फिलिंदा ब्लैंक्स, क्या 17 + 26, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है। सीरीज चेक करो जैसे उसमें की थी, इसमें भी वही 2 + 3 = 5 + 3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 17 + 26 हुआ है, तो 6 और 3 9 जुड़े हैं, +9 जुड़ा है दोस्तों। इसमें थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है, 3 ऐड हुआ है और यहाँ पे 9 ऐड हुआ है, तो या तो ये ओड नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर और कोई सीरीज है। 3 के बाद क्या आता है ओड में, 5, तो हम 5 में 5 प्लस करेंगे, 10 आ जाएगा, जे आएगा, 10 में फिर हम 7 प्लस करेंगे, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ओड नंबर की सीरीज इन्होंने प्लस की है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 5 + 5 = 10, 10 पे क्या आता है, जे, और हमारा जे इज़ राइट आंसर। अब जे आ चुका है हमारा, यहाँ आगे चेक करेंगे, 3 5, आगे क्या आता है, 7 + 7 करेंगे जे में, तो 17 इज़ ए राइट, तो आगे 9, तो ये हमारी ओड नंबर की सीरीज इन्होंने प्लस की है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, डी ई एफ नंबरिंग करते चलो, 4 5 6, एच 8 9 10, ठीक है, और 13 14 15, ये हमारी सीरीज चल रही है। दिख गया हो आपको इसका आंसर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 5 6 8 9 10 13 14 15, आगे क्या लें, 6 और 2 8, फिर प्लस 6 और 2 8 कर दिया, 10 + 3 13 कर दिया, 15 + 4 कर देंगे, 2 3 4, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या आएगा, 15 + 4 = 19 19 20 21, हमारा आंसर क्या बनेगा, STU, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों सीरीज़ में अल्फ़ाबेट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ये थोड़े इजी थे, अभी मॉडरेट करते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं। पहले सारों में से एक एक क्वेश्चन, मतलब 7 7 8 8 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ इनके लिए। चलो एक आधे और क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ाबेट के ही चलने देते हैं अभी थोड़े, CDF DE GEF H, और क्वेश्चन मार्क, एक और क्वेश्चन लेते हैं अल्फ़ाबेट का, फिर नंबर वालों पे चलेंगे, सॉरी 7 6 7, WBPSGMOLJ
क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर चलते हैं अपने नंबर सीरीज की तरफ। नंबरिंग सबसे पहले अल्फ़ाबेट में 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 8। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले इनकी नंबरिंग याद करो अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट के नंबर जब आपको याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आपको लिखना पड़ेगा वहाँ ए बी सी डी, फिर उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट याद हो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 8। आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें? 3, 4, 4, 5, 5, 6। ठीक है दोस्तों, जो इसका सेकंड नंबर है इसका फर्स्ट है, जो इसका सेकंड नंबर है इसका फर्स्ट है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड नंबर होगा इसका फर्स्ट होगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद क्या है, रिपीट कर रहे हैं 7, 6, 7, फिर क्या, एक छोड़ के ले रहे हैं जैसे 3, 4, फिर 1 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 प्लस कर रहे हैं, 1 नहीं, और फिर इसमें भी 2 प्लस कर रहे हैं और इधर भी 2 प्लस कर रहे हैं। तो 7 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, 9। तो आंसर क्या आया अपना, एफ जी और आई, ये हमारा आंसर आया, निकल गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, दोबारा बताता हूँ, सी डी एफ 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 8। 3, 4, 6 जो इसका मिडिल नंबर है इसका फर्स्ट नंबर है, जो इसका मिडिल नंबर है वो इसका फर्स्ट नंबर है। तो अगली सीरीज़ में क्या लेंगे, इसके मिडिल नंबर को फर्स्ट नंबर लेंगे और आगे रिपीट कर रहे हैं, 5 के बाद 6 ले रहे हैं, तो 6 के बाद हमने 7 लिया और फिर प्लस 2 कर देते हैं, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अल्फ़ाबेट का लास्ट क्वेश्चन, फिर चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो डब्लू 19, 15, बी 16, 7, 13, 12, 10। दोस्तों माइनस हो रहा है, कितना माइनस कर रहे हैं, डब्लू से एस ले जा रहे हैं, फिर एस से 15 बना रहे हैं। 15 + 4, 19 होता है, तो 4 माइनस किया इन्होंने इधर, इधर कितने किए, इधर भी 4 माइनस किए हैं, तो आप आगे भी 4 माइनस कीजिए। 15 में से 4 गए, कितने बचे, 11। 11 पे क्या आता है, के, के फॉर काइट। ठीक है, फिर अगली सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, 2 + 5, 7, 7 + 5, 12, 12 + 5, 17, 17 पे क्या आता अपना, क्या हुँ? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं लास्ट वाले में, 16 - 3, 13 माइनस कर रहे हैं दोस्तों, -3 और फिर 13 - 3 = 10। अब 10 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 7, 7 पे क्या आता हमारा, जी। तो ये हमारा के क्या हो, जी आंसर। अल्फ़ाबेट्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों सीरीज़ में। अब चलते हैं हम नंबर सीरीज़ की तरफ और इसके अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाद में कराएंगे, जब पूरा ये तीनों टाइप हो जाएंगे उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी चलते हैं नंबर सीरीज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, सीरीज चैप्टर में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में जान लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ, जो नंबर्स से क्वेश्चन बनते हैं, सेकेंड टाइप लेते हैं नंबर्स का। ठीक है दोस्तों, सारे टाइप्स लेंगे नंबर्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे सीधा, 1, 2, 6, 24, 120 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, 600, 720, 700 या 550। ठीक है दोस्तों, जो भी इस नंबर्स में नोट्स होंगे मैं नोट उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ लेके चलूँगा, जो रूल्स लगेंगे इनमें। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, 1, 2, 6, 24, 120, जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात हो, वैसे इसका आंसर मैं अभी आपको बता नहीं रहा, पहले एक नोट लिखो, रूल लिखो, इसका रूल है स्मॉल नंबर के साथ सीरीज की शुरुआत हो और एंड ग्रेटर नंबर पर हो तो मल्टीप्लाई के बेस पर आंसर आते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये रूल निकल के आता है इन क्वेश्चन से। अभी रूल्स बहुत हैं इसमें सीरीज़ में, आप ये मत सोचना कि हर जगह मल्टीपल चलेगा, अभी आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 × 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 6 × 4 24 × 5 120 120 × 6। दोस्तों आपको टेबल से याद होनी है, 12 × 6 = 72, तो क्या आया 720, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 9 9 13.5 27 एंड क्वेश्चन मार्क, ये 13.5 है। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहाँ रिपीट हो, एट पहले बड़ी संख्या हो फिर उसके बाद छोटी हो, फिर उस छोटी को ही रिपीट किया हो और फिर बढ़ रही हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको पॉइंट वाला, उसमें सिर्फ क्या रूल लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूल लिखो आप, रूल ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कभी भी सीरीज़ में सीरीज़ के स्टार्ट में बड़ा नंबर हो और उसके बाद नंबर दो बार रिपीट हो तो हमेशा कॉम्बिनेशन ये लगेगा, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2, ऐसे रिपीट चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, होगा, ये रूल निकल गया है सेकंड। ठीक है तो देखो, 18 9 9 13.5 एंड 27। तो दोस्तों यहाँ हम क्या लेंगे, 18 × 0.5 = 9, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 0.5 के बाद क्या है 1, तो 9 × 1 = 9 हमारी सीरीज़ बन रही है। ठीक है दोस्तों, फिर 9 में ये 9 है ये नहीं है, मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 का तो आया हमारा 13.5। ठीक है दोस्तों, 13.5 में हमने मल्टीप्लाई की 2 की, तो 13 × 2 = 26 और हाफ ऑफ करेंगे तो 27 आ गया। अब 27 में हमने 2.5 की मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा आया 67.5। ठीक है दोस्तों, ये था सीरीज का सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आया हमारा 67.5। ये रूल्स आप लिखते चलो साथ साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप लेते हैं, यहाँ आई थिंक आपको शो हो रहा होगा तो ले लेते हैं दोस्तों, यहीं थर्ड क्वेश्चन, नहीं तो रफ करना पड़ेगा। 2 3 10 15 26 एंड क्वेश्चन मार्क, ये बताना है। ऑप्शन है आपके 30 52 एंड 35 एंड 24, ये ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको जब भी जहाँ पर ज़्यादा गैप हो, पहले छोटा गैप हो फिर एकदम बढ़ता है, फिर कम होता है फिर बढ़ता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, स्क्वायर और क्यूब का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। रूल लिखो, स्क्वायर और क्यूब का भी ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में, और आपको स्क्वायर और क्यूब्स होने चाहिए, स्क्वायर कम से कम 30 तक आपको याद हो और क्यूब्स भी कम से कम 20 तक आपको याद हो, तभी आप अच्छी कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, 2 का स्क्वायर ले रहा है पहले, ठीक है 4 आ गया, 4 में -1 कर रहा है तो 3 आया। ठीक है दोस्तों, फिर कर रहा है 3 का स्क्वायर 9, फिर कर रहा है +1 तो क्या आया 10। ठीक है दोस्तों, अब कर रहा है 4 का स्क्वायर क्या आता 16, कर रहा -1 15, हमारी सीरीज बन रही है। स्क्वायर तो हर चीज़ में हो रहा है, बट एक बार -1 कर रहा है, एक बार +1 कर रहा है, फिर एक बार -1, फिर एक बार +1 की, इसने 25 आ गया, तो अब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, यहाँ पे प्लस की थी तो यहाँ माइनस करेंगे
वन, तो कितना 35, 35 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। और अभी आगे बढ़ते हैं, इसको उतारो आप, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आगे चलते हैं, नंबर्स के और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज़ के। क्वेश्चन नंबर 4, 7159483829 क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे दोस्तों आपको, नोट करो पहले आप, रूल है ये भी अपना, जब नंबर के बीच डिफरेंट कम हो तो गैप के बेस पर आंसर निकाले। ठीक है दोस्तों, 80% क्वेश्चनों में लागू होता है ये नोट। ठीक है दोस्तों, ये देखो कम गैप दिख रहा है हमें इसमें, तो ये डिफरेंट के बेस पे हो सकता है। इसका डिफरेंट चेक करते हैं दोस्तों, 71 में से 59 गए, ये आया अपना 12, 59 में से 48 गए 11, यहाँ पे 10 माइनस हुआ है, यहाँ पे 9 माइनस हुआ, सीरीज़ बन गई 9, 10, 11, 12। तो अब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 माइनस करने पे आएगा 21 हमारा आंसर। ये डिफरेंट के बेस पे हो गया है, जब गैप कम हो तो डिफरेंट के बेस पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करके। क्वेश्चन 5th लेते हैं हम, 0, 1, 9, 36, 100, 225 एंड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको स्क्वायर्स डेफिनेटली याद होने चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप टिक कर सकते हो। आपको पता हो कि ये स्क्वायर्स है सबके, किसी ना किसी के, तो आप डायरेक्टली इजीली कर सकते हो, बट ना पता हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, सब स्क्वायर्स हैं, 1 का, 3 का, 6 का, 10 का, 5 का। अब यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे इन्होंने 2 बढ़ाया, यहाँ 3 बढ़ाया, यहाँ 4, यहाँ 5, अब 6 बढ़ाएंगे। 15 और 6 कितना होता है 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4, 1। ये दोस्तों आ गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्वायर याद कीजिए आप जल्दी से जल्दी और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, 10, 5, 5, 7.5 और 15 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अभी पीछे हमने 3rd क्वेश्चन किया था, जो सेम वैसा ही है, जब भी ऐसी बात हो रिपीटेशन तो 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5। तो दोस्तों 10 में इन्होंने 0.5 की मल्टीप्लाई की तो 5 आया, तो 5 में मल्टीप्लाई 1 किया तो 5 आया, अब 5 में 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, फिर 7.5 में इन्होंने मल्टीप्लाई 2 करी तो 15 आया, तो 15 में हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 दूनी 30, 30 और हाफ 37.5, ये हमारा आंसर आया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या है, 4, 12, 36, 108 और क्वेश्चन मार्क एंड 972। इस बार बीच में क्वेश्चन मार्क आया सीरीज़ में। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, 4 तीय 12, 12 तीय 36, 36 तीय 108, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तीय 24, 2 और 3 3, ये आ गया 324। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। नंबर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन कौन सा लें, 8th क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, 8th क्वेश्चन लेते हैं ये, 5, 6, 10, 19, 35 एंड 60 एंड क्वेश्चन मार्क, ये लेते हैं दोस्तों। कम गैप है तो डिफरेंट के बेस पे हो सकता है, देखते हैं किस पे होगा। डिफरेंट कितना है, 1, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है, यहाँ कितना डिफरेंट हो गया दोस्तों,
15 और एक 16, ठीक है। यहाँ कितना डिफरेंट हो गया, 25। तो दोस्तों आपको दिख गई होगी सीरीज, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, अब छः का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 ऐड कर देंगे, 6, 96 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, ये सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलते हैं हम अल्फ़ाबेट प्लस नंबर के क्वेश्चंस पे, या सीरीज के और क्वेश्चन कराएं दोस्तों। सीरीज के क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन हम साथ लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको अल्फ़ाबेट प्लस नंबर के दोनों के क्वेश्चन साथ करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। थर्ड टाइप जो बचा वो कराते हैं, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, वो टाइप होते ही फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप लेते हैं थर्ड सीरीज का। हमने कर लिया अल्फ़ाबेट सेकंड नंबर्स, अब चलते हैं थर्ड टाइप पे जो सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड टाइप क्या आता है सीरीज़ में, अल्फ़ा प्लस नंबर, जो अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर के साथ भी क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। 1 ZA, 3 VB और 6 XC और 10 WD, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हमें बताना है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारी सीरीज़ में पूछे जाते हैं जहाँ नंबरिंग भी हो और साथ अल्फ़ाबेट भी चलते हो, ये भी वैसे सीमा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नंबरिंग से सिर्फ 1, 3, 6, 10 +2, +3, +4 तो +5 करेंगे तो क्या आएगा, 15, ठीक है दोस्तों। नंबर तो आ गया अपने पास 15, ऑप्शन में 15 हो एक ऑप्शन में तो उससे टिक कर सकते हैं, बट सारों में 15 हो तो आगे देखते हैं। जेड कितना होता है 26, वाई वी कितना होता है 22, ये कितना होता है 24, ये कितना होता है 23, ठीक है दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, इसमें क्या कर रहे हैं, जेड से 22, फिर 24 और फिर 23, पहले कर रहे हैं -4, फिर कर रहे हैं +2, फिर कर रहे हैं -1, तो इससे तो कुछ हुआ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ABCD, तो यहाँ आएगा E, ठीक है दोस्तों। अब देखो 26 -4 +2 -1, कोई वो नहीं बन रहा लॉजिक, तो दोस्तों घबराना नहीं है, सीरीज़ में नहीं बन रहा तो कोई नहीं, एक छोड़ के एक भी ले सकते हैं हम, 26 -2 24, 22 -+1 23, तो अब करेंगे हम 24 -2, क्या आएगा V, यह आया हमारा आंसर 15 VE, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 6 C 7 8 F 10 और 11 J 14 15 O 19 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 6 7 8 10, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन तो ठीक है, 11 14 15 19, तो 6 2 फिर +3 फिर +4 तो फिर +5 करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। इस पे चलते हैं, 7 +3 +4 +5 तो +6 करेंगे तो कितना आएगा 19 और 6 25। अब सी 3 होता है, F 6 होता है, J 10 और O 15, तो 3 प्लस किया 6 आ गया, फिर 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, अब 6 प्लस करेंगे 15 और 6 21 पे क्या होता है U, ये हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, M 1 F P 3 E और ये मेरे ख्याल से S है, S 9 D V 31 C, तो नेक्स्ट बताना हमें, ठीक है दोस्तों घबराना नहीं है, 1 3 9 31, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया इन्होंने, M 13 होता है, F 6 P 16 E 5 S 19 D 4 V 22 C 3, ठीक है, 6 5 4 3 2, तो एक तो अपना B निकल के आया यहाँ लास्ट में, फिर क्या कर रहे हैं, 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 3 25, 25 पे क्या आता है वाई, वाई और बी, अब बचा हमारा बीच का खेल 1 3 9 31 1 3 9 31, इसको सोल्व करना है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये कैसे किया इन्होंने, 0 × 0 + 1, ठीक है दोस्तों, 1 × 1 + 2, फिर किया इन्होंने
थ्री गुना टू प्लस थ्री, और फिर किया नाइन गुना थ्री प्लस फोर। अब आगे चलेगा इसका तो आएगा, क्या आएगा, 31, ठीक है, गुना फोर किया, सीक्वेंस चल रही है 0 1 2 3 4, और फिर प्लस 5 क्योंकि इसकी इक्वेंस इसकी भी चल रही है, तो कितना आया 4 1 4 और 4 3 12 और प्लस 5 ये आ गया 129, तो ये आया हमारा 129 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आ गए हमारे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स के। ठीक है दोस्तों, और हमने सीरीज़ में तीन टाइप के क्वेश्चन कर लिए, पहले अल्फ़ाबेट के, फिर नंबर के, और थर्ड अल्फ़ाबेट प्लस नंबर। सीरीज़ में इससे बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इन तीनों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं हम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।